हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो जी आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्लाजो पैंट के फ्रंट और बैक की एक साथ कटिंग करना एक मेरी सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझसे कहा था उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर डी किया था ये वाला वीडियो बताने के लिए तो आज मैं आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो लाई हूँ उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा पसंद आएगा और हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं और इसको बनाने के लिए हमें करीबन जो है सवा दो मीटर का कपड़ा चाहिए होगा तो जी सबसे पहले जो है हमने अपने फैब्रिक को पूरा खोल लेना है अच्छे से ये देखिए इस तरह से जो है हम अपने फैब्रिक को खोल लेंगे और अब हम इसका सीधा और उल्टा साइड देखेंगे तो जी जो उल्टा साइड होगा उसको हमने ऊपर की साइड रखना है क्योंकि जब भी भी हम कपड़े पर निशान लगाते हैं तो हम उल्टी तरफ से लगाते हैं और फिर मैं इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लूँगी ये देखिए इस तरह से हमने लंबाई में पहले अपने कपड़े को डबल फोल्ड करना है एंड देन मैं इसको जो है फोर्थ फोल्ड कर दूंगी इस तरह से और इसको बिल्कुल अच्छे से आपको बिछा लेना है ये देखिए इस तरह से अगर इस पर सिकुड़न वगैरह हो तो आप इसे आयरन कर लें और खुला वाला साइड जो है वो मैंने अपनी तरफ रखा है देख सकते हैं आप लोग और मैंने इसे फोर्थ फोल्ड में बिछाया है ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया है और अब जो है सबसे पहले मैं इसकी किनारी कट कर कर निकालूंगी क्योंकि जब ये सिलने के बाद ना सिकुड़ती है ये किनारी तो अगर आपके कपड़े में किनारी हो तो आप सबसे पहले उसे कट कर कर निकाल दीजिए आपके कपड़े में क्या कपड़े में किनारी होती ही होती है तो आपने उसको कट कर कर सबसे पहले निकाल देना है तो देखिए मैंने किनारी को कट कर कर निकाल दिया है और अब ऊपर की साइड से जो है मेरा कपड़ा बिल्कुल एक जैसा नहीं है तो मैं एक स्केल की हेल्प से जो है इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लूँगी स्केल की हेल्प से मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और अब मैं इसको कट कर कर निकाल दूंगी जो, जो भी एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है और अपने कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लूँगी तो जी अब हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल सीधा हो चुका है और अब जो है हम साइड जो हमारे मार्जिन होते हैं प्लाज़ो के मैं उसका निशान लगाऊंगी और गाइस ये वाला निशान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ये वाला निशान नहीं लगाएंगे तो आपके प्लाज़ो में लूजिंग नहीं रहेगी तो देखिए यहाँ पर मैं हाफ़ इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगी और आगे ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते लंबाई में जो है हाफ इंच पर ऐसे निशान लगा लूँगी और अब इन निशानों को हमने स्केल की हेल्प से इस तरह से ऐसे मिला देना है ये देखिए इस तरह से हम जो है इन निशानों को ऐसे मिला देंगे पूरा एंड तक तो जी ये हमारा जो है लूजिंग का निशान लग गया है अब जो है हम सबसे पहले जो है अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे तो जो हमारी बेल्ट होती है मैं उसका निशान लगाऊंगी यहां पर बट उससे पहले जो है हमने अपने कपड़े को क्योंकि हम यहां पर फ्रंट और बैक एक साथ कट कर रहे हैं तो मैं ऊपर से डेढ़ इंच सबसे पहले छोड़ूंगी ये देखिए डेढ़ इंच पर मैंने यहां पर निशान लगाया है और अब नीचे की, आगे बढ़ाकर भी मैं डेढ़ इंच पर ऐसे ही निशान लगाऊंगी और अब इन दोनों निशानों को मैं ऐसे मिला दूंगी ये देखिए इस तरह से तो जी ये हमारा बेल्ट का निशान नहीं है ये हमने जो हमारा बैक साइड एक्स्ट्रा रहती है उसके लिए छोड़ा है तो आपने ये डेढ़ इंच सबसे पहले छोड़ देना है और इस वाले निशान को छोड़कर जो है हम अपनी बेल्ट का निशान लगाएंगे तो जो हमारी बेल्ट है उसके लिए मैं दो इंच पर यहाँ पर निशान लगा रही हूँ और अब इस साइड से भी जो है मैं दो इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगी और अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूंगी इस तरह से निशान लगाने से क्या होता है दोनों साइड से आपका निशान कभी भी टेढ़ा नहीं होता है तो जी ये जो है हमारी बेल्ट का निशान लग गया है देख सकते हैं आप लोग और अब जो है हम लंबाई का निशान लगाएंगे तो जो हमारी प्लाज़ो की लंबाई है वो है सैंतीस इंच थर्टी सेवन इंच तो देखिए सैंतीच सैंतीस इंच पर जो है मैं ऐसे निशान लगाऊंगी और अब अगेन इंची रेप को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए भी जो है मैं सेवन थर्टी सेवन इंच पर ऐसे निशान लगा दूंगी और अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूंगी तो जी ये हमारी जो है लंबाई का निशान लग गया है देख सकते हैं आप लोग और अब जो हम नीचे से बॉटम फोल्ड करते हैं मैं उसका निशान लगाऊंगी तो उसके लिए यहाँ पर मैं दो इंच पर ऐसे निशान लगा रही हूँ आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग चौड़ा या पतला मोड़ सकते हैं मैंने बट यहाँ पर दो इंच जो है फोल्डिंग के लिए कपड़ा लिया है तो जी ये हमारा निशान लग गया है ये हमारा जो है बेल्ट ये हमारी लंबाई और ये हमारा बॉटम फोल्डिंग के लिए अब जो है हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे तो जी हम कमर का जो निशान होता है वो हम हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं जितनी हमारी हिप होती है उसका हम वन फोर्थ करते हैं और फिर हम उसमें दो इंच जो है प्लस कर देते हैं तो जी जो यहाँ पर हमारी जो कमर आ, हिप है वो है छत्तीस इंच तो छत्तीस का हम वन फोर्थ करेंगे तो आएगा नौ इंच तो देखिए नौ पर मैं ऐसे निशान लगाऊंगी और अब दो इंच मैं उसमें लूजिंग के लिए प्लस कर दूंगी तो जी ये हमारा इलेवन इंच आ जाएगा ग्यारह इंच तो ग्यारह इंच ही जो है मैंने लंबाई में ऐसे निशान लगाना है और अब इस साइड से भी जो है हम ग्यारह इंच पर ही निशान लगाएंगे और अब इस साइड से भी हम ग्यारह इंच पर ही निशान लगाएंगे इस तरह से हम एक स्क्वायर बना लेते हैं एक बॉक्स बना लेते हैं तो जी ग्यारह इंच का जो है मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है देख सकते हैं आप लोग जितनी भी आपकी हिप हो उसका वन फोर्थ करिए और फिर उसमें दो इंच प्लस कर लीजिए फिर जो भी आएगा उसका आपने एक बॉक्स बना लेना है यहाँ पर तो जी ये हमारे कमर का निशान लग गया है अब क्या करेंगे हम अब जो है हम अपने क्रोच एरिए का निशान लगाएंगे आसन का तो जो क्रोच एरिया है उसके लिए यहाँ पर मैं दो इंच पर ऐसे आगे निशान बढ़ा रही हूँ ये देखिए इस तरह से और अब बीच में ऐसे तिरछा इंच रखते हुए हमने एक इंच पर ऐसे निशान लगाना है और अब इस निशान के अकॉर्डिंग ही जो है हम अपने आसन की गोलाई दे देंगे इस तरह से तो जी ये हमारे क्रोच एरिया का निशान लग गया है अब हमने क्या करना है जो ये हमारा क्रोच एरिया वाला निशान है इसको छोड़ के हमने इसको नापना है तो जी ये था हमारा इलेवन इंच तो अब हम इसका सेंटर करेंगे तो आएगा हमारा साढ़े पाँच इंच तो देखिए साढ़े पाँच पर मैंने ऐसे निशान लगा लिया है और अब नीचे बॉटम पर भी हम साढ़े पाँच पर ही ऐसे निशान लगा लेंगे और अब जो ये हमारे निशान हैं सेंटर वाले इन निशानों को हमने आपस में मिला देना है तो जी एक स्केल की हेल्प से जो है हम इन निशानों को ऐसे मिला देंगे और अब जो है हम अपने बॉटम का निशान लगाएंगे इस वाले निशान के बाद तो जो हमारा बॉटम है वो है छः इंच का तो देखिए लाइन से इस साइड भी हमने तीन इंच पर निशान लगाना है और उस साइड से भी हमने तीन इंच पर निशान लगाना है तो इस तरह से दोनों तरफ से तीन तीन इंच यानी कि हमारा छः इंच हो जाएगा बॉटम और अब हम क्या करेंगे अब हमने एक लेग शेपर लेना है अगर आपके पास लेग शेपर नहीं है तो मैंने बिना लेग शेपर के भी जो है प्लाजो पैंट की कटिंग बता रखी है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोग चेक कर लेना तो जी इस वाली साइड से चौड़ी वाली साइड से हमने स्केल क्रोचेरी की साइड रखना है और पतली वाली साइड से जो है बॉटम की साइड रखना है और इस तरह से हम इसको ऐसे मिला देंगे और अब स्केल को हमने ऐसे पलट लेना है और अब यहां से भी हम इसको इस तरह से ऐसे मिला देंगे तो जी ये हमारा जो है फ्रंट साइड का निशान लग गया है देख सकते हैं आप लोग अब इसी में जो है हम अपने बैक साइड का भी निशान लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर फ्रंट और बैक एक साथ कट कर रहे हैं तो जो हमारा बैक साइड होता है वो हमारा ऊपर कमर वाली साइड से और यहाँ से और यहाँ क्रोच एरिया की साइड से और नीचे बॉटम वाली साइड से जो है दो दो इंच एक्स्ट्रा होता है तो अब मैं जो है उसी का निशान लगाऊंगी और ये कमर पे जो हमने निशान लगाया था ये जो हमारी बैक साइड होती है वो डेढ़ इंच एक्स्ट्रा होती है उसका निशान मैंने यहाँ पर छोड़ा था तो देखिए कमर की साइड से जो है मैं यहाँ पर दो इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगी और अब क्रोच एरिया वाले साइड से भी मैं दो इंच ऐसे एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी और अब नीचे बैक साइड वाले सॉरी नीचे बॉटम से भी तो जी तीनों तरफ से जो है हमने दो दो इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगा लिया है अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिलाएंगे ये देखिए पहले वाले क्रोच एरिए को और जो हमने दो इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है ऊपर उसको और इसको हम पूरा ऐसे मिला देंगे और अब बीच में ऐसे इंची टेप रखते हुए एक इंच पर और अब इस एक इंच के अकॉर्डिंग ही जो है मैं जो हमारा बैक साइड वाला क्रोच एरिया है वो बनाऊंगी ये देखिए इस तरह से हमने उसको शेप दे देनी है सेम वैसे ही हमने बनाना है जैसे हमने फ्रंट साइड का बनाया था और अब हमने अगेन लेग शेपर लेना है अपना और इसको एक्स्ट्रा वाले निशान पर रखना है दोनों एक्स्ट्रा वाले निशान पर क्रोच एरिए से लेके नीचे बॉटम तक और अब इस तरह से हम इसमें देंगे तो जी ये जो है हमारा बैक साइड का निशान लग गया है अब जो है हम जो हमारी कमर होती है वहाँ पर हम बैक साइड जो होती है वो हम ऊपर से एक्स्ट्रा लेते हैं वो एक्स्ट्रा हम क्यों लेते हैं ताकि जब हम बैठे तो वो हमारा खिंचे नहीं तो मैंने ऑलरेडी जो है डेढ़ इंच ही छोड़ा था आप चाहें तो यहाँ पर दो इंच भी छोड़ सकते हैं अगर आप ज़्यादा हैवी हैं तो बट मैंने यहाँ पर जो है डेढ़ इंच पर छोड़ा है तो देखिए मैं आपको एक बार नाप कर भी दिखा देती हूँ ये मैंने यहाँ पर डेढ़ इंच छोड़ा था इसीलिए तो हम क्या करेंगे जो ये हमने डेढ़ इंच छोड़ा है यहाँ से हमने तिरछा अपना जो है स्केल रखना है फ्रंट साइड की बेल्ट तक ये देखिए इस तरह से हमने इसको रखना है और ऐसे हमने इसको तिरछा ऐसे निशान लगा देना है तो जी हमारा जो है ये वाला निशान भी लग गया है अब जो है हमारा फ्रंट और बैक दोनों के निशान लग चुके हैं और अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे तो जी कटिंग करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपने बैक साइड की सबसे पहले कटिंग करनी है जो आपके बाहर बाहर के निशान हैं आपने सबसे पहले उसको कट करना है तो जी अब हम कटिंग शुरू करेंगे जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं सबसे बाहर वाले जो हमारे निशान हैं उन उसके साथ साथ हम इसको कट करते जाएंगे तो जी अब अब जो है हमारी बैक साइड की कटिंग हो गई है अब हमने क्या करना है अब हम जो है दो अपने कपड़े गिनकर हटा लेंगे इसके ऊपर से ये देखिए ये चार हैं हमारे फ्रंट और बैक के दोनों के तो हमने दो कपड़े अपने गिनकर और इस पर मैं फ्रंट लिख दूंगी ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो बाद में और इसको मैं अलग हटा दूंगी और ये जो दो रह गए हैं हमारे इस पर मैं बी लिख दूंगी बैक साइड ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और अब हमने अगेन अपना जो हमारा फ्रंट साइड था उसको ऐसे बिछाना है ये देखिए इस तरह से हम इसको बिछाएंगे और अब जो भी हमने दो दो इंच एक्स्ट्रा निशान लगाए थे और ये जो ऊपर से डेढ़ इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया था इसको कट कर, कर हम निकाल देंगे क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा वाले निशान होते हैं ये हम अपनी बैक साइड पर लगाते हैं फ्रंट वाली साइड पर नहीं लगाते हैं तो हमने एक साइड एक साथ कट किया था फ्रंट और बैक तो हमने इसके निशान पूरे पर लगा दिए थे तो अब जो है हम ये वाले निशान जो है कट कर कर निकाल देंगे तो जी हमारे जो भी एक्स्ट्रा निशान थे मैंने उसको कट कर कर निकाल दिया है और ये जो है हमारा फ्रंट साइड बच गया है देख सकते हैं आप लोग ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है फ्रंट और बैक मैं दोनों को एक साथ रख कर भी आपको दिखा देती हूँ ये कुछ इस तरह से जो है दिखता है ये देखिए अब हमने क्या करना है अब जो है मैं इसकी मियानी और पॉकेट आप लोगों को कट कर कर दिखाती हूँ तो जी मियानी कट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़ा ले लिया है जिसको मैं ऐसे डबल फोल्ड करूँगी सबसे पहले इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करना है और अब इसको ही मैं ऐसे फोर्थ फोल्ड कर लूँगी एक और फोल्ड कर लूँगी ताकि जो है हमारी जो मियानी है वो एक साथ कट हो जाए फ्रंट और बैक की और जो इसकी लंबाई है वो हमने करीबन आठ इंच रखनी है आठ इंच से कम तो आपने अपनी जो है मियानी की लंबाई रखनी ही नहीं है तो आठ इंच पर मैंने निशान लगा दिया है और जो चौड़ाई है वो मैं चार इंच रखूँगी तो ये ऐसे डबल फोल्ड है तो मैं यहाँ पर दो पर निशान लगाऊँगी और जब हम इसे खोलेंगे तो ये चार इंच हो जाएगा और अब इन निशानों को मैं ऐसे आपस में मिला दूँगी ये देखिए इस तरह से और अब हम क्या करेंगे अब हमने इसके कॉर्नर्स को ऐसे मिला देना है अपोजिट ये देखिए इस तरह से तिरछा रखते हुए ट्रेंगल शेप में हम इसको ऐसे मिला देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और ऊपर से हल्का सा हमने कट कर, कर देना है तो जी ये जो है हमारी मानी कट गई है और अब जो है हम अपनी पॉकेट कट कर करेंगे तो जी पॉकेट काटने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है जिसको मैं ऐसे डबल फोल्ड कर दूंगी सबसे पहले इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करना है और जो हमारी पॉकेट की लंबाई है वो मैं यहाँ पर तेरह इंच रख रही हूं तो तेरह इंच पर मैं ऐसे निशान लगाऊंगी और अब इस साइड से भी जो है मैं तेरह इंच पर ऐसे ही निशान लगाऊंगी और अब इन दोनों निशानों को मैं आपस में मिला दूंगी तो जी ये जो है पॉकेट की लंबाई का लग गया है और अब ऊपर से जो है हमने अब हमारी जो पॉकेट है वो बारह इंच तो ये डबल फोल्ड है तो मैं छह पर निशान लगाऊंगी तो जी छह पर निशान लगा दिया है और नीचे से हमें चौदह इंच चाहिए मैं सात पर निशान लगाऊंगी और अब इन इन दोनों निशानों को आपस में ऐसे मिला दूंगी इस तरह से और अब जिस साइड से खुला वाला जो हमारा साइड है ये हमारा बंद वाला साइड है ये हमारा खुला वाला साइड है और जिस साइड से हमने सेवन इंच लिया था उस साइड से हमने एक इंच पर ऐसे तिरछा निशान लगाना है इस तरह से और अब इसको मैं गोलाई दे दूंगी पॉकेट की हमने इसको ऐसे शेप दे देनी है और अब जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे वैसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे तो जी ये हमारी पॉकेट कट गई है अगर आप दोनों पॉकेट लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही दो कट कर लें बट मैं यहाँ पर एक ही पॉकेट लगाऊंगी तो जी हमारी पॉकेट भी कट हो चुकी है तो जी ये है हमारा प्लाजो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जो ये हमारी पेंट होती है तो इसमें जो हम बैक साइड होती है वो हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं ऊपर से ये डेढ़ इंच तो जब हम इसमें बेल्ट लगाते हैं तो क्या ये ठीक बैठता है या नहीं तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन आता है तो ये वाला वीडियो तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं इसमें ही आपको बताऊँगी तो इन आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बेल्ट लगाना म्यानी लगाना और जो है पॉकेट लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से बताऊँगी आपने करना है मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना उसका लिंक जो होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और कोई वीडियो सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर, कर जरूर बताइएगा